यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता आजकल। क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं क्या? हाँ दोस्त, पढ़ाई तू छोड़ दे, जो तेरे माँ बाप ने सपने देखे हैं उसको तू तोड़ दे। तू ये भी भूल जा कि तुम्हें कोई कामयाब देखने वाला तुम्हारा अपना भी है। तू ये भी भूल जा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई अपना सपना भी है। दोस्त, 16 से 26 साल की वो उम्र है जिसमें या तो तुम्हारी जिंदगी बिखर सकती है या तो तुम्हारी जिंदगी निखर सकती है। या तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो अपनी जिंदगी बना लो या तो अपना जीवन बर्बाद कर लो। तुम आज ही अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, तुमको अपने जीवन में क्या हासिल करना है। कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलते रहोगे, कब तक? एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, तुम्हें सबसे आगे जाना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें सूर्य की तरह चमकना है तो तुम्हें सूर्य की तरह तपना भी होगा, तब जाके ये दुनिया तुम्हें पहचानेगी। अगर तुम्हें दुनिया में उभर के सामने आना है तो तुम्हें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। बहुत से लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल से पढ़ूंगा, सोमवार से पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ कब तक कल कल करते रहोगे? एक दिन तुम मरने वाले होगे तब भी यही कहोगे कि कल करूंगा। कल करने से पहले कभी उनके तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीद लगा के बैठे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, जो आपके लिए अपने सारे सुख चैन त्यागने को तैयार हैं और आप 2 मिनट पढ़ने तक को तैयार नहीं। वह तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने सारी इच्छाओं को बलिदान करने के लिए तैयार हैं और तुम सिर्फ पढ़ने तक को तैयार नहीं। तुम देर ना लगाओ यह तय करने में कि जिंदगी का क्या करना है, वरना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने जिंदगी से वो सारी चीजें हटा दो जो तुम्हारे गोल के बीच में बाधा बन रही हैं। तुम पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, तुम्हें गणित नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता, विज्ञान नहीं आता कोई बात नहीं। तुम्हें गणित नहीं आता तो तुम्हें गणित सिखाने वाला कोई होगा। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम्हें अंग्रेजी सिखाने वाला कोई होगा। तुम्हें साइंस नहीं आती तो तुम्हें साइंस सिखाने वाला भी कोई होगा। फिर भी तुम सीखते क्यों नहीं? यह सबको मालूम है कि माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। जो कोई भी जो कुछ सीखता है वह यहीं पर सीखता है। इस दुनिया में जो जिस फील्ड में जितना ज्यादा समय व्यतीत करता है उस फील्ड में वह उतना आगे होता है, वह उतना ज्यादा सीखता है। आज यदि कोई डॉक्टर है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसने डॉक्टरी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया है। आज कोई साइंटिस्ट है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय साइंस को दिया है। आज कोई फालतू घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय फालतू चीजों को दिया है। लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कहता हूँ तुम किताब खोलकर 5 मिनट पढ़ो तो सही। तुम्हें 5 मिनट पढ़ने के बाद वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो तुम्हें और कोई काम करने में नहीं मिलेगा, और तुम्हारा यही सेटिस्फेक्शन तुम्हें आने वाले 5 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगा। तुम आज तक ना पढ़ने के बहुत से बहाने ढूंढे होंगे, लेकिन पढ़ने के लिए भी बहाना ढूंढ लो। अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ लो, अपने औकात के लिए पढ़ लो, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए ही पढ़ लो, जो तुमसे जलते हैं उनको और जलाने के लिए ही पढ़ लो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, उनकी उम्मीद हो तुम। मैं इस वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम ये ना कहो कि कल पढ़ लूंगा, बल्कि तुम ये कहो कि आज भी पढ़ लेता हूँ और कल भी पढ़ लूंगा।